अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जो महमूद अली साहब, खैरियत? है सब लोग आपसे 2 मिनट बात करना चाह रहा था। महमूद बताइए। अच्छा अली साहब, ये क्यों, पुलिस जो काम कर रही, फ्रेंडली काम कर रही? देखिए, क्या प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? पुलिस आप ही देख रहे होंगे, आप भी लाइन ऑर्डर रहता, पुलिस के जिम्मे जो है ना जी कानून की हिफाजत करना था। कानून की जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं लोग जरूर पुलिस वाले कानून के शिकंजे में जो भी रहता लेके आते हो। आप आज ही देखिए, आप एक वही लड़का साहब दूध बताइए, ना, घबरा के क्यों इंक्वायरी आसिफ करते? नगर पुलिस स्टेशन का है। क्या हुआ एक बच्चा आसिफ नगर में? दूध लाने के लिए बाहर निकला, बच्चा आसिफ नगर कब गया दूध लाने के लिए? 2 बजे के टाइम पे। नहीं, नहीं 2 बजे तक कर्फ्यू ना भाई, आप बताइए देखिए कुछ कर्फ्यू का अभी मतलब किसी की क्या रहता है। मजबूरी दे रही थी ना लाउड मैं लाउडर साहब, दूध लगाने का, दूध की मजबूरी सुबह में ले लेना, सुबह में लेना, मैं कभी किसी की क्योंकि जो मजबूरी रहती, लॉकडाउन किसी के का, पैसे समझिए में जो जो रहते। जो लॉकडाउन का जो टाइम रहता है उसकी टाइम की थोड़ी पाबंदी करना, दूध ये तो लाने के, रिक्वेस्ट कर आप लेना सुनिए मेरी आपका। बात, दूध लाने के लिए निकले सुनिए वहां के सुनिए, मैं तो बहुत कांस्टेबल सुनता हूँ दिन भर में, कांस्टेबल उनको बराबर मार आप के पूछ रहे आग हो कि गलती पे है फोड़ तो दिए जरूर कहाँ पे हुआ आसिफ नगर में जी। इंक्वायरी करवाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, मुझे अभी ये और कवरेज आप देनी है। एक मिनट बताए सुनिए, आप बताए बताए। ओल्ड सिटी में मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में 2 बच्चे एक हमदर्दी के तौर पर एक अच्छा काम करने के लिए रुकाए, उनके भी ऊपर केस करके जेल आप भी भेज समझते दिया उनको अच्छा है, भी। कानून जो समझता वो अच्छा नहीं है ना। आप समझते ही अच्छा है 2 बच्चे जो है मुस्लिम बच्ची को देख के रोके, मगर कानून क्या बोलता? कानून अच्छा, अगर आप 18 ये साल भी से बात छोटी बोल रहे बच्ची रही तो जी जी, हमारे एक आसिफ नाम के शख्स से उन्होंने ओमान से कॉल करे, ऐसा पुलिस वालों को खाली उन्होंने जरा ऐसा बोले, आपकी ऐसा वर्दी बोल उतार सकते देंगे, हैं बोले आप? मैं ना देखा व्हाट्सएप विश्वास से बोल रहा हूँ, इसका ड्रेस उतार ले तो बोलते हैं अब ना, बोल दिया, उनकी जुबान से गुस्सा आया, कैसा निकल बोलते? गया नहीं बोल मोहम्मद सकता अली ना, साहब जबान है, उनसे। आप जबान जीती है गलत इस्तेमाल करेंगे उसमें कानून है एक्शन लेता। ऐसा बात करने का हम कंप्लेन करते बोलना। देखिए एक बात सुनिए, कहाँ तक पढ़े आप, मैं 10th क्लास तक पढ़ा, क्या उम्र है आपकी? 26 ईयर्स। 26 है, तो हर एक के ऊपर एक ऑफिसर रहता नहीं, आपकी बात पुलिस सही ऑफिसर। है, आप सुनिए मेरी बात, बात अगर वो जज्बाती बोलते रह कि हम जाना। आपका आपके बारे में कमिश्नर साहब को हम कंप्लेन करेंगे, आपका अमल अच्छा नहीं है बोले तो बस था। जी नहीं, आप बोल रहे हाँ सही बात है, बिल्कुल। आप बात जाना जज्बाती रहते हो ना, जरा जज्बात से नहीं बोल नहीं दिया, आपकी जज्बाती वर्दी कैसा नहीं, वर्दी देखिए उतार देंगे आप बोल के। मेरा वही तो बोलने का मतलब है, जज्बा से काम चलने वाला नहीं है। आप अच्छे अल्फाज में उसकी तंबीह कर सकते हो, उसे बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आपके ऊपर हायर ऑफिसर तक हम लोग पूरा डिटेल कंप्लेन करेंगे और जरूर उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो जरूर उसको आपको सजा मिलेगी, वो तो खत्म। ऐसा हमको बोला तो, आपने? अब वो क्या है कि अल्लाह बेहतर जाने, थोड़ा पुलिस तो फ्रेंडली काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। महमूद अली देखिए, साहब, मुसलमान हिंदू का नहीं रहता मेरे भाई, आप समझिए बात, ऐसा रहता वो तो जो भी कानून, अगर पुलिस का इंतजाम, अगर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने में खास तौर से लॉकडाउन के अंदर पुलिस एक्टिव नहीं रही तो पुलिस का मतलब ही खत्म हुआ था। पुलिस जो रहती है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जो कानून की खिलाफ वर्जी करते उनके साथ बराबर कानून को लागू करने के लिए सारी दुनिया की पुलिस वही करती, हमारी पुलिस नहीं। आप कंपेयर कर लीजिए दूसरे नहीं स्टेट की पुलिस से हमारी हमारी, पुलिस के बारे में, तो नहीं, दूसरे स्टेट में महमूद अली साहब, अब जी हमारे बताइए। सीएम साहब भी क्या करे, निकलेस गढ़ का नाम चेंज कर दिए। अरे वो सब ये चीज मुझसे मत पूछा, ये सिस्टम रहता जो रहता काम का, वो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम से रखे हर जगह, जहां जो अच्छा प्राइम साहब, तो मिनिस्टर फिर ये रहता सेक्रेटरी की मस्जिद का क्या हुआ साहब, फिर दर बना देंगे आप बेफिक्र रहिए, वो कब इंशाल्लाह बहुत बनाएंगे जल्दी साहब? उसका आपका सेक्रेटरी चालू होने से पहले बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। जब तक सेक्रेटरी में खत्म नहीं रहेंगे, जब तक मस्जिद आबाद नहीं साहब, होगी फिर आप आपकी बेफिक्र जबान रहिए। पे रहना, आप सेक्रेटरी में खत्म और कर रखने से देते पहले ना आप भाई, मस्जिद में खत्म रखेंगे आप आपने पहले? आपको 100% इसलिए बता रहा है कि सेक्रेटरी इनाग्रेशन से पहले मस्जिद का इनाग्रेशन करिए। हम लोग लंबा फोन पे नहीं करते, फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ मैं, मैं आप बात आपको करें, बहुत बता रहा हूँ। शुक्रिया आपका, नहीं नहीं लेकिन नहीं जरा आप आपको एक आपको बता रहा रिक्वेस्ट हूँ, करिए पुलिस से, प्लीज। जरूर करेंगे हम भी, कमिश्नर साहब को बोले इसके ऊपर इंक्वायरी करो क्या हकीकत क्या है बोल के, आप बेफिक्र रहिए। हम जो सिस्टम से काम होता है जरूर करते रहते और जरूर जस्टिस करने की कोशिश करते हैं, आप बेफिक्र रहिए। आप मस्जिद का पूछे, आपसे मैं वायदा कर रहा हूँ, आपसे बता रहा हूँ सेक्रेटरी शुरू होने से पहले मस्जिद में नमाज होंगी, मस्जिद की अजान होंगी, उसके बाद सेक्रेटरी चालू होगा, आप बेफिक्र। ठीक है उसकी साहब, आप उसकी आपकी जुबान पर पक्की रही, आप सिक्रेटरी में जबान है जाने से पक्की। पहले आप मस्जिद में जाएंगे आप आप नमाज के अभी हमारे हाथ में है, लिए? वो हमारे हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कभी भी आप बेफिक्र रहे, कोई लिटिगेशन नहीं है, वो इंशाल्लाह अच्छी मस्जिद बनाई जाएगी, आप बेफिक्र रहे। एक नहीं है दो मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, जरूर बनाएंगे दोनों पक्ष। थैंक ठीक है, अल्लाह हाफिज। यू।